21 फरवरी 2016 की देर रात कड़ाके की ठंड के बीच हरियाणा के जिंद में हेडमास्टर राजीव सिंह के फोन की घंटी बजती है। मास्टर साहब रिसीव करते हैं तो आवाज आती है, जय हिंद सर। ये कॉल 10 पैरा स्पेशल कमांडो फोर्स जम्मू यूनिट से है। फोन करने वाले अफसर बताते हैं कि आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के दौरान उनके बेटे के सीने में गोली लगी है। मास्टर साहब को बताया गया उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। राजवीर सिंह फोन पर बात करने के बाद जम्मू रवाना होने की तैयारी करने लगते हैं। कुछ मिनटों बाद उनके फोन पर फिर कॉल आती है और बताया जाता है कि उनके बेटे को बचाया नहीं जा सका, वो देश के लिए शहीद हो गए। मां भारती के उस वीर सपूत की जब शहादत हुई वो महज 23 साल का था। सेना ज्वाइन किए हुए उन्हें सिर्फ 3 साल ही हुए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं देश के लिए कुर्बान होने वाले एक ऐसे बहादुर सैन्य अफसर की वीरगाथा जिसके शौर्य पराक्रम का कोई सानी नहीं। कहते हैं उसके जन्म ही भारतीय सेना और मां भारती की रक्षा करने के लिए हुआ था। नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार। आज कहानी भारतवर्ष की मिट्टी में जन्मे उस बब्बर शेर की जिसे शहीद कैप्टन पवन कुमार कहा जाता है। शहीद कैप्टन पवन कुमार का सेना में जाना महज एक इत्तेफाक नहीं था, शायद किस्मत ने पहले ही तय कर लिया था कि पवन का जीवन सेना और देश के लिए है। 15 जनवरी 1993 को जब पूरा देश आर्मी दिवस मना रहा था, बॉर्डर पर तैनात जवान अपने पुराने साथियों और उनकी कुर्बानियों को याद कर रही थी, ऐसे समय में हरियाणा के जिंद में हेडमास्टर राजीव सिंह के घर परमवीर पवन कुमार का जन्म हुआ। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद पवन कुमार ने नेशनल डिफेंस अकादमी का एग्जाम पास किया और ट्रेनिंग के लिए अकादमी चले गए। 3 साल नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला से ट्रेनिंग लेने के बाद पवन कुमार उत्तराखंड स्थित भारतीय सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए गए। 14 दिसंबर साल 2013 को वो सेना में कमीशन्ड हुए, जहां उन्हें 10 पैरा स्पेशल फोर्स में तैनाती मिली। कैप्टन पवन कुमार को सेना ज्वाइन किए हुए महज 3 साल ही गुजरे थे, लेकिन इस समय तक उन्होंने 3 खतरनाक ऑपरेशनों को अंजाम दे दिया था। 23 जनवरी को पवन कुमार पुलवामा में एक एनकाउंटर के दौरान घायल हो गए थे, वो भी उनके जन्मदिन के ठीक 5 दिन बाद। एनकाउंटर में गोली लगने के बाद कैप्टन पवन कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सेना के डॉक्टरों ने उन्हें 2 हफ्ते की मेडिकल लीव पर घर जाने को कहा। बावजूद इसके पवन ने मना कर दिया और अपनी कमांडो टीम के ज्वाइन करने का फैसला लिया। ये थी कैप्टन पवन कुमार की बहादुरी, उन्होंने गोली लगने के बावजूद भी छुट्टी लेने से मना कर दिया था। गोली लगने पर घायल होने के बाद भी वो घर नहीं आए और अपनी कमांडो टीम के साथ अगले ऑपरेशन की तैयारियों में जुट गए। ठीक उसके 1 महीने बाद 20 फरवरी 2016 की शाम जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पामपोर में आतंकियों ने उद्यमी विकास संस्थान की बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया था। आतंकियों ने यहां कार्यरत आम नागरिकों को बंदी बना लिया था। कैप्टन पवन कुमार को जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है, वो अपने साथियों के साथ रणनीति बनाकर तुरंत मौके पर निकल पड़ते हैं। पवन कुमार की रणनीति साफ थी, पहले किसी भी तरीके से वहां फंसे लोगों को बचाया जाए, उसके बाद आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और रणनीति के तहत पहले कैप्टन पवन ने वहां फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया। इसके बाद आतंकियों की घेराबंदी करते हुए गोलीबारी शुरू हो गई। कैप्टन पवन कुमार अपनी टीम को फ्रंट पर लीड कर रहे थे। एक बेहतरीन दिलेर सैन्य अफसर की तरह ये पहचान उन्हीं की बनाई गई थी, जो गोलियों की बौछार के बीच देश को बचाने के लिए टीम का नेतृत्व करता है। मुठभेड़ के दौरान अचानक आतंकियों की एक गोली पवन कुमार के सीने में जा लगी। आनन फानन में कैप्टन को सैन्य वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो शहीद हो गए। शहीद कैप्टन के पिता राजवीर सिंह जी को जब बेटी की शहादत की खबर मिली तो वो पल उनके लिए गर्व करने वाला था। मास्टर जी का कहना था कि मेरा एक ही बेटा था, मैंने उसे सेना में देश की सेवा में भेज दिया, वो देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गया। एक पिता के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती। महज 23 साल की उम्र में
राजवीर का बेटा देश के लिए शहीद हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में आंसू तक नहीं आए। उन्हें गर्व इस बात का था कि कैप्टन पवन ने आखिरी सांस तक अपना काम किया और देश के काम आ गए। शहादत के बाद जब पवन कुमार के पार्थिव शरीर को उनके गांव जिंद लाया गया, तब उनके साथी अफसरों ने पूरे गांव को उनकी बहादुरी के किस्से सुनाए। शहीद होने से पहले भी उन्होंने कई खतरनाक ऑपरेशनों को अंजाम दिया था। कैप्टन बहुत ही होशियार और शारीरिक रूप से चुस्त तंदुरुस्त थे। उनमें अदम्य साहस, बहादुरी और शौर्य कूट कूट कर भरा हुआ। शहीद कैप्टन पवन कुमार जब कश्मीर में तैनात थे, उस दौरान दिल्ली के जवाहरलाल विश्वविद्यालय यानी कि JNU और जिंद में एक प्रदर्शन चल रहा था। एक और जहां JNU में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं हरियाणा के जिंद में जाट आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। कैप्टन पवन कुमार भी खुद जाट परिवार से थे। कैप्टन पवन कुमार ने अपने आखिरी फेसबुक पोस्ट पर JNU और जाट आंदोलन का जिक्र किया था। उन्होंने उस पोस्ट में लिखा कि किसी को रिजर्वेशन चाहिए, किसी को आजादी। भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपनी रजाई। रजाई का तो नहीं पता, लेकिन मां भारती का ये रणबांकुरा जब तिरंगे में लिपट कर अपने घर आया, तो आंखें सबकी नम जरूर थी, लेकिन सर फक्र से उठा हुआ था और सीना गर्व से चौड़ा था। वो मां भी धन्य है जिसने इस बब्बर शेर को अपनी कोख से जन्म दिया। शिवालिक जनरल ऐसे महावीर को शत शत नमन करता है। शहीद कैप्टन पवन कुमार के बलिदान का भारतवर्ष का बच्चा बच्चा ताउम्र ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।